हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर आरबीएससी की तरफ से बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है। क्या यहाँ पर अपडेट रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर ओपन यानी आप जो नॉन यहाँ पर क्लास से आप यहाँ पर जो फॉर्म फिल किया था 10th का और 12th का, तो गाइस उसके यहाँ पर बता दूँ कि उनके यहाँ पर एग्जाम लिए जाएंगे। जो यहाँ पर रेगुलर थे उन्हीं का यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, अदरवाइज जो नॉन कैंडिडेट थे गाइस उनका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। कब लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं ये जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्यों यहाँ पर लिया जा रहा है, उसके बारे में क्या यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री ने कहा है तो उसके बारे में यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो नॉन कैंडिडेट होते हैं उनके यहाँ पर बता दूँ कि डायरेक्टली एग्ज़ाम लिया जाता है, उनके अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी नहीं होते। यहाँ पर बता दूँ 3000 से ज़्यादा या 3000 के लगभग यहाँ पर आरबीएससी के नॉन छात्र हैं। तो दोस्तों, उनको प्रमोट करना, किस आधार पर प्रमोट करें उसके बारे में अभी तक कुछ भी यहाँ पर शेड्यूल नहीं जारी किया है। उनको प्रमोट करने का तरीका भी बहुत ही अलग हो सकता है। इस वजह से यहाँ पर बताया गया है कि उनका यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाएगा और इस तरह से उनको 3000 से ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट है तो उनका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इनका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक एग्ज़ाम भी इनके नहीं लिए जाते, डायरेक्टली एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो इनका एग्ज़ाम लेना संभव है। तो गाइस, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने फॉर्म फिल किया है नॉन से तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा ले जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।